सोने का मंदिर, सोने का मंदिर जी हाँ, ये वाला सोना गोल्ड 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 एच ब्रोज में वेलकम है दोस्तों जी हाँ, आज बात हो रही है गोल्ड टेंपल की। यस यस, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, फिट होंगे। तो आज जो उनसे आज की रिएक्शन वीडियो जो है वो गोल्ड टेंपल पे, गोल्ड टेंपल इंडिया में, गोल्ड टेंपल, गोल्ड टेंपल। तो उसका जो नेम है वो है पद्मनाभस्वामी, बोलने में कोई अगर गलती हो जाए तो सॉरी, नहीं समझ आती ठीक है ना, जो पद्मनाभस्वामी, तो अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी सॉरी यार, नहीं जो हमें लगा कि जैसे ये बोला जा सकता है हमने बोल दिया, तो किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि कैसा है ये गोल्ड का टेंपल, क्या है इसमें। यस, गोल्ड ही होना, गोल्ड ही होना। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, हाँ कर लो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो, चलें वीडियो की तरफ चलो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्डन टेंपल एंड मिस्टीरियस वॉल्ट बी टेंपल पद्मनाभ स्वामी के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा है और इस टेंपल के बारे में हर चीज कवर करता है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत में केरल राज्य की राजधानी शहर तिरुवनंतपुरम में श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक पुराना मंदिर है। यह मंदिर भारत में सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिरों में से एक है। वैष्णव मंदिर ऐसे मंदिर हैं जहां मुख्य देवता भगवान विष्णु या उनके अवतारों के विभिन्न रूप हैं। वैष्णव मंदिरों में 108 मंदिर दिव्य देशम स्थलम पवित्रम निवास के रूप में जाने जाने वाले मंदिर हैं, जो सबसे पवित्र हैं। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर उन 108 मंदिरों में से एक है। नंबर 10, हालांकि इस मंदिर का महाकाव्यों और पुराणों में संदर्भ है, मंदिर का मूल कलयुग से पहले दिन से लगभग 5000 साल पहले माना जाता है। श्री पद्मनाभ की मूर्ति का निर्माण कब और क्यों किया गया यह अभी भी अज्ञात है। इस विषय पर कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज या अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर के श्री कोविल में भगवान विष्णु अनंत संयम में है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं और संयम लेटे हुए दक्षिण की तरफ सिर रखे हुए हैं और पूर्व की तरफ देखते हुए। वह लेटे या नींद में नहीं है लेकिन गहरी समाधि में है। यह मन को खाली या पूर्ण एकाग्रता में रखने का एक स्वरूप है। भगवान का दाहिना हाथ जमीन पर स्थापित एक शिव दूत पर लटकता है। देवी लक्ष्मी श्री देवी, धन या समृद्धि की देवी और भू देवी पृथ्वी की देवी, भगवान की दो पत्नियां उनकी सेवा करने के लिए उनके पास में खड़ी है। भगवान की नाभि से कमल खिल रहा है। इस कमल में भगवान ब्रह्मा सजर्ग बैठे हैं। इस मूर्ति पर अभिषेक नहीं किया जाता है, अभिषेक इसके उद्देश्य के लिए रखी गई एक अन्य मूर्ति पर किया जाता है। यह व्यवस्था शालिग्राम और कड़ू शर्कर योगम, कच्ची गुड़ और जड़ी बूटी का मिश्रण से मूल मूर्ति को होते नुकसान से बचाने के लिए किया गया है। देवताओं की फूलों से पूजा की जाती है। मूर्ति को नुकसान से बचाने के लिए मोर के पंखों का उपयोग करके ये पूजा किए गए फूल हटाए जाते हैं। नंबर 9, मंदिर के गुप्त तहखाने से आश्चर्यजनक 1,00,000,000 रुपए के अलंकार और कीमती सामान पहले ही बन चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि इन सभी धन का नियंत्रण कौन करेगा? ऐसी संपत्तियां आमतौर पर प्रशासकों द्वारा मंदिर को संचालित करने और गरीबों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन वे अक्सर विवादों और तकरारों का विषय बन जाता है। केरल के सरकारी अधिकारियों का कहना है कि राज्य मंदिर या उसके खजाने पर वे नियंत्रण नहीं लेंगे। ये कदम कुछ कार्यकर्ताओं ने सुझाया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, खजाना शिष्यों और विश्वासियों से मंदिर में दान किया गया है। यह मंदिर की संपत्ति है और इसका राज्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। माना जाता है कि यह कीमती सामान मंदिर में हजारों सालों से जमा किया गया था।
जो देवताओं को दान किया गया था, और बाद में विभिन्न राज्य वंशों जैसे चेरस, पांड्या, त्रावणकोर शाही परिवार, कोलाथिरस, पल्लव, चोल और अन्य कई राजाओं जो दक्षिण भारत और उसके बाद इतिहास में मेसोपोटामिया, जेरूसलम, ग्रीस, रोम और बाद में यूरोप और अन्य देशों के शासकों और व्यापारियों के विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों को दर्ज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर में त्रावणकोर राज्य के शाही परिवार द्वारा मंदिर में जमा किया गया था, जिसे 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद स्वीकारा गया था। मंदिर के अंतर्गत कुछ मेहराब लगभग 150 वर्षों से नहीं खोले गए। नंबर 8, मेटल मनी एक क्लॉक टॉवर है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बगल में स्थित है। यह कहा जाता है कि 1840 के दशक में महाराजा स्वाति थिरुनाल राम वर्मा के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया था। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक ट्यूब, दो बकरियां और घड़ी की मशीन का वर्णन करता है। यह भी एक इतिहास है कि टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पे आक्रमण के सफल प्रतिकार की स्मृति में इस घड़ी की स्थापना की गई। नंबर 7, यह मंदिर केरल की स्वदेशी शैली और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में स्थित मंदिरों से जुड़ी वास्तुशिल्प की द्रविड़ शैली के जटिल संलयन से बना है, जिसमें उच्च दीवारें हैं और 16वीं सदी के गोपुरम, जबकि मंदिर का मूल स्थान कासरगोड जिले के कुंबला में अनंतपुरम मंदिर है। कुछ हद तक वास्तुशिल्प के रूप से आपने शायद इस मंदिर के बारे में सुना होगा, जहां मगरमच्छ भी शाकाहारी प्राणी। नंबर 6, विषुव यानी इक्विनॉक्स दो बार होता है, वसंत ऋतु में एक बार और एक बार शरद ऋतु। ये घटना प्रत्येक वर्ष 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को होती है, और इन दोनों दिनों में समान समय के दिन और रात होते हैं। विषुव पर सूर्य श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गोपुरम के मध्य भाग के साथ नीचे जाता है। मंदिर गोपुरम इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि विषुव पर सूर्य सभी दरवाजों से होकर ही गोपुरम के बीच में से गुजरता है। सही में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है ये। नंबर 5, केरल के तिरुवनंतपुरम के सदियों पुराने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत में सबसे अमीर तीर्थ स्थानों में बनने में है। मंदिर के गुप्त तहखाने में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की कीमत के अलंकार और कीमती सामान पहले ही मिल चुके हैं। केरल में 16वीं शताब्दी के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से अब तक 22 अरब डॉलर यानी 1,00,000 करोड़ रुपए के स्वर्ण, गहने और मूर्तियां बरामद हुई हैं। माना जाता है कि खजाना कोष में ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी खोज है। नंबर 4, इसमें पत्थर पर एक शानदार और बढ़िया स्थापत्य कला की गई है। इसे आर्य मकाल मंडपम और सप्त स्वर मंडपम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तंभों के 28 कटघरे से समर्थित है। चारों कोनों पर रहे स्तंभों पर तपतपाने से संगीत का निर्माण होता है। ये स्तंभ सुशोभित नक्काशीदार आंकड़ों से आधी और पूर्ण नक्काशी से सजे हुए हैं। जिस तरह से इस मंडप को उस समय बनाया गया है, ये वास्तव में सराहनीय है। जिस समय कोई बिजली, पेट्रोल, डीजल या किसी आधुनिक उपकरण नहीं थे, उस वक्त इस तरह की कला ने जन्म लिया, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। नंबर 3, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम से 6 वॉल्ट्स यानी घुम्मट है। वॉल्ट सी से एफ समय समय पर खोले गए, जबकि ए वॉल्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2011 में खोला गया था। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक वॉल्ट बी, जो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में है, उसे उस समय पर खोला गया था, लेकिन एक मजबूत धातु के दरवाजे जैसे स्ट्रॉन्ग रूम से प्रवेश रोका गया था। नंबर 2, मंदिर में 6 कालारों या कक्षों में भरत कोकन कालरा चेंबर भी श्री पद्मनाभ स्वामी के साथ बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर ट्रेजरी का हिस्सा नहीं है। इस पवित्र चेंबर में
श्री चक्रम, श्री पद्मनाभ स्वामी की एक मूर्ति और प्रमुख देवता का प्रभाव बढ़ाने के लिए कई कीमती सामान, जबकि बाकी के वॉल्ट वर्ष में कम से कम 8 बार खोले जाते हैं और वॉल्ट भी मुख्य वॉल्ट है। यह चैम्बर ट्रस्ट सदस्यों और भारत के अन्य विद्वान ज्योतिषियों द्वारा बेहद रहस्यमय, पवित्र, जोखिम भरा और खोलने के लिए खतरनाक माना जाता है। चैम्बर बी को नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों के साथ तत्कालीन सिद्ध पुरुषों द्वारा गुप्त कक्ष तय किया गया जो कि 16वीं शताब्दी में राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में हुए थे। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के गुप्त वॉल्ट का दरवाजा एक उच्च विद्वान, साधु या मांत्रिक द्वारा ही खोला जा सकता है जो गरुड़ मंत्र का जाप करके इसका नाग बंधम या नाग पाशम का निवारण करने से ज्ञान से परिचित हो। इसलिए इसके सिवा इस दरवाजे को किसी भी माध्यम या किसी से भी खोला नहीं जा सकता है। यदि किसी भी उच्च विद्वान, साधु या मांत्रिक द्वारा अति पवित्र और शक्तिशाली गरुड़ मंत्र उच्चारण के अलावा किसी भी मानव ने मानव निर्मित तकनीक से इस रहस्यमय चैम्बर बी को खोलने का प्रयास किया तो मंदिर और आसपास या फिर पूरे भारत में दुर्घटनाएं होने की संभावना है। एक बार आदेशों के अनुसार इसे खोलने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वह व्यक्ति के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना घट गई। बाद में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। यह कहा जाता है कि कोई शक्तिशाली साधु या योगी द्वारा गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही ये दरवाजा स्वचालित रूप से खुल जाएगा और किसी भी अन्य मानव प्रयास की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के वैदिक ज्योतिषियों ने एक बार दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। ये मान्यता है कि अगर किसी साधु द्वारा इस मंत्र का ठीक ढंग से जाप किया जाए तभी ये दरवाजा खुलेगा, अन्यथा दरवाजे की रक्षा करने वाले शक्तिशाली सांप जो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं उन पर कहर बरपाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये नया वीडियो? बहुत ज्यादा। नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर डालें। क्या लगता है आपको, अगर इसे खोला जाए तो क्या होगा? समुद्र से पानी बाहर आएगा या अन्य कोई और कहर होगा? तो वीडियो पसंद आया? ये तो ऊपर वाले जानता है कि अगर खोला तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर जो है वो बड़ा ही जबरदस्त है और बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है और बहुत महंगा है। महंगा रिचेस्ट के हिसाब से बहुत रिचेस्ट कहना बनता है जो इतना गोल्ड है इसमें। ये शुरू में बताया गया था हाँ कि वो कितने 1000 पता नहीं कितने 100 करोड़ का जो है वो वहाँ पे सिर्फ गोल्ड ही है। बहुत ज्यादा अगर इसे अभी कुछ तय खानों में इसे ये मिला, कुछ तय खाने गए उनसे अभी खोले नहीं गए, ये जो डर की वजह से नहीं खो रही, यानी कि शायद कुछ घटनाएं पेश आ जाती हैं उनसे। इन लोगों का मानना है कि ये कोई घटनाएं पेश आ जाती हैं अगर इनको हम खोलेंगे। ये बात जो उनसे मुझे थोड़ी सी, मैं सुन के थोड़ा सा शौक हुआ कि ये क्या ये क्या चीज़ है कि वो दरवाज़ा अगर खोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा उनके साथ हो जाता है। और एक बार कोशिश की गई है और हुआ भी है, हुआ भी है, फिर उन्होंने काम बंद कर। यस, ये क्या है इसके लिए? ये यही तो क्वेश्चन है कि ये क्या है, क्या ये क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा ना था। इसका अगर सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन भी एक किस्म का वीडियो में बताया गया है कि जी वो एक बहुत ही साधु योगी पता नहीं क्या ऐसा कुछ बोला है, एक्सपर्ट बंदा जो सा वो आके सोच विचार करे ना उस पे कि इसको किस तरह से खोला जाएगा, ये बताया गया कि सोच विचार करे फिर वो उस दम करूँ तो उस पर जो सा वो खुलेगा। तो देखें अब कब खुलता है ये। यहाँ आप लोगों ने जो हमसे हमने आपसे सवाल पूछा वो आपने सवाल जरूर बताना है। तो जवाब निर्माण, मेरे ख्याल से निर्माण, निर्माण का मतलब बता दें, निर्माण किया, निर्माण का मतलब भी बता दें यार इन्हें। और एक और था भी पवित्र, उसका मुझे लगता है कि उसका मतलब होगा पाक, पकीजा, पवित्र, पवित्र शायद शक्तिशाली को कहते हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसका पकीजा होगा।
पता नहीं अब ये ऑडियंस ही बता सकती है कि इसका क्या है। सोच जो है सर थोड़ा सा हो जाता है राय कोई बात भी तो आप लोगों ने ठीक बताना है वो बता देना ठीक है। हमसे तो होती रहती है गलती। बाकी सोना तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गोल्ड टेम्पल हाँ तो अच्छा लगा देख के। और आप लोगों में से काफी फैक्ट्स भी पता चले, देखा हुआ है रियल में वो भी हमें बता दे। काफी ज्यादा फैक्ट्स और काफी ज्यादा ना रामगुन बातें पता चली हैं जो ये आखिर में तो वैसे बहुत ज्यादा ना। यस तो ये गाइस थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। जो इंडिया से देखते हैं वो तो लाजमी करेंगे। यस और जो पाकिस्तान से देख बाकी ममालिक से देख रहे हैं वो भी कर देना। यस तो बांग्लादेशी जो है ना उनको भी उर्दू आती है। यस वो कल पता चला, कल पता चला उन्हें भी जो है देख रहे होंगे तो उनको भी जरा थोड़ा सा अच्छी बात है आती है तो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो उनका वो जरा ईजी हो जाता है। बिल्कुल तो गाइज यही थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और एक काम करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम मजीद वीडियो जो उनसे वो बनाते रहें। आपने किसी टॉपिक पे बनवानी है रिएक्शन वीडियो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।